नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं तेजस्वनी भट्ट अपने चैनल UPSC पाठशाला में आप सभी एस्पायरेंट्स का स्वागत करती हूँ। आपका अपना चैनल आपके अपने हित के लिए। हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई हैव कम विद न्यू वीडियो दैट इज ए दैनिक जागरण सीरीज रिलेटेड वीडियो। ओके, सो फ्रेंड्स, जो पहली चीज़ तो हम आपको ये कहना आपसे सॉरी बोलना चाहेंगे, क्योंकि मेरे वीडियो जो है थोड़े से कंटिन्यूअस नहीं रह पाते हैं। तो इसलिए क्योंकि बीच में जिससे मैं वीडियो बनाती थी अपने टैब से, वो ख़राब हो गया था और उसे सही कराने में मुझे टाइम लगा। और चूंकि अभी मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि मैं आपको प्रॉपर वीडियो जो है वो अवेलेबल करा पाऊँ, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। बट चूंकि बस मेरा ये है कि मैं लोगों को जो भी मेरे पास है मैं उन लोगों को उससे शिक्षा दे पाऊँ और वो अपने टारगेट तक पहुँचे, तो अभी मेरा जो टैब है वो सही हो गया है, तो मैं जो वीडियो बना रही हूँ इसलिए। और बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए और ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ आपके इस प्यार और सपोर्ट से, और ताकि और अच्छी वीडियो ला सकूँ। तो फ्रेंड्स, जो आपको पता है दैनिक जागरण सीरीज, आप पहले जो और भी वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो वीडियो सिर्फ एक न्यूज़ इस तरीके के रिलेटेड नहीं जो हम नॉर्मल डेली न्यूज़ में पढ़ते हैं। वो न्यूज़ है जो पेपर में, जो किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वो न्यूज़ डालती हूँ, चाहे आप उसे ऐसे में लिख सको या फिर किसी वन लाइनर करंट अफेयर्स में। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके थॉट्स को चेंज करेंगे, आपको बहुत सारी नॉलेज उससे मिलेगी। जो तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं इतना कहना चाहूँगी, ये जो वीडियो है आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा। जो गरीब लोग हैं, जो गांव में हैं, जिनके पास इतनी सुविधा नहीं है कि वो कोचिंग ले सके, महंगी कोचिंग ले सके, तो आप उनको भी इस चैनल के बारे में बताइएगा और उनको भी वीडियो दिखाइएगा और अपना सपोर्ट जो है मुझे दीजिएगा और उन लोगों को भी, ताकि उन्हें हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं जो ये दैनिक जागरण की इस लेक्चर में। सबसे पहले हमारी आती है शून्य लागत खेती। शून्य लागत खेती होती क्या है ये बताते हैं। ये इसको हम नॉर्मली परंपरागत खेती की ओर कहते हैं। अब देखिए, यही चीज़ आपकी, चाहे अभी आरू का एग्जाम हो या आरू का, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शून्य लागत खेती होती क्या है। तो इसको हम परंपरागत खेती की ओर कह सकते हैं। तो हो सकता है आपसे चार ऑप्शन पूछ ले जाए और उसके बारे में पूछा जाए, ठीक है। तो एक कॉमन से बात करते हैं, इसके अंदर आता क्या गया। इसके अंतर्गत देसी गाय पालन, देसी केंचुए की महत्व, गौमूत्र आधारित खाद और छिड़काव, वनों से सूखी खाद की उपलब्धता, भूमि के शोधन और संवर्धन, सिंचाई के तरीके और बहुफसली पद्धति के तरीके इसके अंतर्गत आते हैं। तो आप आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि ये होती क्या है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है वो टॉपिक पे आते हैं। सुखोई से ब्रह्मोस मिसाइल दागा गया, ठीक है। ये साइंस एंड टेक का है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मेरे सारे जितने भी लेक्चर हैं ये जो है वो सारे एग्जाम के लिए है, चाहे वो SSC हो, चाहे वो UP का RO AR O हो, लोअर PCS, अपर PCS, एवरी एग्जाम के लिए। मैं सिर्फ एक इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ कि आपके एग्जाम भी क्लियर करना है, हम एक इसलिए भी आपको बहुत सारी चीजें बताते हैं कि आप कोई भी देखो, मेरे हिसाब से जैसे लोग कहते हैं कि एक ये न्यूज पेपर बहुत बेकार है, सो कोई न्यूज पेपर जो है वो खराब नहीं होता है, और कोई एक दो होते हैं जो पर्टिकुलर बहुत अच्छे से, अगर हम द हिंदू की बात करें तो बहुत अच्छा न्यूज पेपर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पर ऐसा नहीं उसमें भी कुछ खराब खबरें आती हैं। तो इसी तरह से मैंने दैनिक जागरण क्यों चुना, ऐसा नहीं है। दैनिक जागरण में भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज़ें आती हूँ। मैं जितना भी मेरे मटेरियल वो दैनिक जागरण से ही है। तो जो न्यूज़ आपके आंखों से निकल जाती हूँ, जल्दी ना पढ़ पाते हो, उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझ पाते हो, मैं उन चीज़ों को, न्यूज़ को यहाँ पे जो डालती हूँ, तो उसे ध्यान से देखें और मेरे पुराने वीडियोज़ भी देखें, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे आपकी न्यूज़ जो है वो इम्पोर्टेंट छूट जाती है। प्लस इससे मैं लोगों के विचार को बदल सकती हूँ, ओके। बहुत सारी चीज़ें मैं और भी बताती हूँ, तो ये चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ में हम आते हैं, सुखोई से ब्रह्मोस मिसाइल दागा गया कैसे। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को फाइटर जेट से लॉन्च करने वाला पहला देश का, भारत हमारा पहला देश बना है जिसने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, कौन सा, ब्रह्मोस को फाइटर जेट क्या है हमारा, सुखोई है, से लॉन्च किया गया, ये क्वेश्चन बन सकता है। अब जो है जल, थल और नब तीनों स्थानों से दागी जा सकेगी, ध्वनि से तीन गुनी है ब्रह्मोस की रफ्तार। हो सकता है कि एक क्वेश्चन बन जाए साइंस में आपका कि ब्रह्मोस की जो रफ्तार है वो ध्वनि से कितनी ज्यादा है, तो तीन गुनी ज्यादा है, इसे ध्यान रखिएगा, ओके। नेक्स्ट आते हैं ब्रह्मोस की खूबियां क्या क्या है,
ठीक है, पहला भारत के डीआरडीओ व रसिया के एनटीओ मसीनोस्त्रिनिया का संयुक्त उद्यम है, मतलब बिजनेस है। ओके, कौन कौन सा? भारत का डीआरडीओ, इंडिया का डीआरडीओ अपना, और रसिया का एनपीओ है। ठीक है, नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कवा को मिलाकर रखा गया है। जो ये ब्रह्मोस नाम है ये कहाँ से आया है? और देखिए इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रह्मोस नाम कौन सी दो नदियों को लेकर दिया गया है, और आपको चार ऑप्शन में दिख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की कौन सी है? आपकी मस्कवा नदी है। ठीक, फिर आते हैं, यह मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है इसलिए रडार की पकड़ में नहीं आती है। देखो रडार मतलब क्या होता है, ऐसे अदर कंट्रीज होते हैं वो मतलब रडार लगाते हैं ताकि अगर कोई ऊपर से कोई मिसाइल या कोई ऐसा चीज़ हो तो रडार में पकड़ में आए ताकि उन्हें पता चल जाए कि किसी और देश से कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। लेकिन ये जो मिसाइल है ये इतनी कम ऊंचाई पर उड़ती है कि रडार की पकड़ में आती नहीं है, तो ताकि हम अपना जो कोई भी है वो अगर अपनी मिसाइल को दाग रहा है कुछ कर रहा है तो मतलब दुश्मन की पकड़ में नहीं आएगी। ब्रह्मोस का पहला परीक्षण 12 जून 2001 को सफलतापूर्वक किया गया था। अगर ये क्वेश्चन बनता है कब ब्रह्मोस का पहला परीक्षण किया गया था, वो 12 जून 2001 को किया गया था। अब आते हैं आईएनएस कलवरी, नेक्स्ट न्यूज है आपकी। आईएनएस कलवरी एक डीजल इलेक्ट्रिक लड़ाकू पनडुब्बी है। आपसे पूछा जाए आईएनएस कलवरी क्या है, तो ये डीजल इलेक्ट्रिक लड़ाकू पनडुब्बी है। ओके चलिए आगे, इस परियोजना को फ्रांस के सहयोग से चलाया जा रहा है, आईएनएस कलवरी को। ठीक है, शोर और ध्वनि को कम रखने के लिए रेडिएटेड टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी? ये सब चीजें जो है मैंने थोड़ा सा डार्क में लिख रखी है, आप इसे ध्यान रखिएगा। रेडिएटेड टेक्नोलॉजी हाइड्रोडायनेमिक ऑप्टिमाइज आकार होने से या टॉर्पीडो एवं ट्यूब तरीके से एरीशिप मिसाइल का इस्तेमाल करने में सक्षम है। ओके, आईएनएस कलवरी का निर्माण मुंबई के मजगांव डॉक लिमिटेड MDL में फ्रांस की DCN की तकनीक सहयोग से किया गया है। ये सब सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज है संतोषी नाकोमोटो कौन है? इन्होंने बिटकॉइन की शुरुआत की थी। आप सबको पता है इस समय एक जो करेंसी डिजिटल करेंसी के रूप में बिटकॉइन की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और बिटकॉइन देखा जाए तो पूरी दुनिया में अपना पैर पसारता है। ये अलग बात है कि इसको RBI या इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक्स हैं, उन्होंने इसको जो है वो इतनी तवज्जो नहीं दी है, इसे नहीं माना है एक लीगल रुपीज़ के रूप में, लीगल एक वैल्यू के रूप में। फिर भी बिटकॉइन जो है लोगों में बहुत पॉपुलर है। लेकिन इसकी शुरुआत किसने की थी? ये है संतोषी नाकामोटो। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिटकॉइन की शुरुआत किसने की थी, तो संतोषी नाकामोटो। मैं एक एक चीज़ आपको बताती चलती हूँ कि कहाँ पे किसकी रिलेवेंस है। ओके, सो यह एक क्रिप्टो करेंसी है, ये क्रिप्टो करेंसी है जिसे आसान भाषा में ई मुद्रा कहा जा सकता है। इस समय बिटकॉइन की तरह इथेरियम, लाइट क्वाइन, डैश, नियो जैसी दूसरी ई मुद्राएं भी प्रचलन में। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा ये मैं बताती हूँ। हो सकता है बिटकॉइन ना देकर के आपको इनकी नाम दे दी जाए और पूछा जाए कि इसमें ई मुद्राएं कौन सी हैं, तो आपने सोचा होगा कि मैंने तो बिटकॉइन का नाम सुना है, ये तो नहीं हो सकती। बट ऐसा नहीं है, इनको भी याद रखिएगा, इथेरियम, लाइट क्वाइन, डैश, नियो, ये भी बिटकॉइन की तरह अलग ई मुद्राएं हैं। ओके, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है, नॉर्थ कोरिया अपनी ICBM में एंथ्रेक्स नामक संक्रमण फैलाने वाले घातक बैक्टीरिया से हमला कर सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखना कि एंथ्रेक्स नामक संक्रमण जो है फैला सकता है कौन? हमारा नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के बारे में सबको पता है, उसकी रणनीति किसी से छुपी नहीं है, वो एक अलग ही दुनिया में अपनी रहता है, वो अपने अलग ही काम करता है और बस लोगों में दूसरे देशों में दहशत फैलाता है, आए दिन मिसाइल का परीक्षण करता है, बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं न्यूज़ में देखते होंगे उन्हें सब कुछ पता है। ओके, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एंथ्रेक्स है क्या और उसने ऐसी धमकी क्यों दी है? देखिए, एंथ्रेक्स यह एक खतरनाक संक्रमण है जो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया के जरिए फैलता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट किसके द्वारा? बैसिलस एंथ्रेसिस, ये भी साइंस का क्वेश्चन बन सकता है। बैसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया के जरिए फैलता है। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है वो हम आपको बता सकते हैं। क्वेश्चन ये बन सकता है, ऐसा कभी कौन सा देश है जिसने
एक संक्रमण फैलाने की बात कही है कि और कहा है कि मैं इससे हमला कर सकता हूँ दूसरे देशों में, तो आप नॉर्थ कोरिया कह सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि नॉर्थ कोरिया ने ऐसे कौन से संक्रमण को फैलाने की बात कही है हमला करने की, तो आप बता सकते हो एंथ्रेक्स नामक संक्रमण जो है नॉर्थ कोरिया फैलाने की बात कर रहा है। और एंथ्रेक्स क्या है ये भी ध्यान रखिएगा, बैसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया के जरिए फैलता है। यह अधिकार जान यह अधिकतर जानवरों से बने उत्पादों के इस्तेमाल से ही फैलता है, जो जानवरों से बने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनसे फैलता है, उनका अगर कोई इस्तेमाल करता है तो। जो नॉन वेजिटेरियन है उससे कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होगा, ठीक है ओके। आगे रमेश कुंतल मेट को हिंदी का साहित्य अकादमी सम्मान उनकी कृति विश्व मिथक सरित सागर के लिए प्रदान किया गया है, इसे ध्यान ओके ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में तेजी से पैर पसार रहा है ट्रिचिनिल्ला परजीवी, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिचिनिल्ला परजीवी, ये है क्या? वैज्ञानिकों के मुताबिक ट्रिचिनिल्ला परजीवी की ब्रिटोनी और नेल्सोनी प्रजाति भारत में सक्रिय है, इंसानों में इसका संक्रमण जानलेवा साबित हो सकता है, तो ये भी ध्यान रखना, इस समय ये भी साइंस के क्वेश्चन में आ सकता है ओके। अब आते हैं, देखिए ये जो मैं बता रही हूँ जल है तो कल है, ये क्या है? देखिए ये ऐसा कुछ पर्टिकुलर वन लाइन करंट अफेयर्स नहीं है, ये एक जल के बारे में है जो भारत में जो समस्या है बहुत बड़ी जल की, उससे रिलेटेड कुछ अच्छी लाइंस हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो भारत सरकार की तरफ से की जा रही हैं। ये अगर आप इसे देखोगे इसे सुनोगे तो आप इसको उनके लिए फायदेमंद है, जैसे जो स्टेट पीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी में जिनका माध्यम हिंदी है। वैसे मेरा एक मानना है माध्यम किसी ज्ञान का मोहताज नहीं है, हिंदी वाले भी इंग्लिश पढ़ सकते हैं और इंग्लिश वाले जो इंग्लिश मीडियम है उन्हें भी इस वीडियो को देखना चाहिए, ज्ञान कहीं से भी मिले लेना चाहिए, आप उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो ऐसा कुछ नहीं है। तो हिंदी मीडियम का वीडियो ऐसा ही नहीं कि आप इस इंग्लिश वाले से देख नहीं सकते, वो भी देखें और पॉइंट्स जो है तो माइंड में आ जाते हैं, तो इन पॉइंट्स को आप ऐसे में यूज कर सकते हो। इस पॉइंट्स को चूंकि अभी पता है कि सारे स्टेट पीएससी में भी सब्जेक्टिव मेंस का जो पेपर है, अब यूपी पीसीएस भी 2018 में सब्जेक्टिव लेने जा रहा है, तो जल से रिलेटेड वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने इसको उसमें इंक्लूड किया है। तो अगर उससे रिलेटेड 250 वर्ड्स का या 150 वर्ड्स का क्वेश्चन बनता है तो चाहे यूपीएससी या यूपीपीएससी दोनों में ये बहुत फायदेमंद है, और मैंने इसके बहुत अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं, आप इसे एसे में इंक्लूड कर सकते हो या जीएस पेपर्स में। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, अगर ये ऐसे में आता है वाटर रिलेटेड से कि वो वाटर रिलेटेड क्या क्या इंडियन प्रॉब्लम्स, उसके लिए भारत सरकार क्या क्या कर रही है और आपके लिए क्या आप क्या सोचते हो, ठीक है? तो जब आप अगर ऐसे में इस चीज़ को ऐसे शुरुआत कर सकते हो, जैसे रहमन पानी रखी बिन पानी सब सून, ठीक है, ये इस लाइन से अगर आप शुरुआत करते हो बहुत इफेक्टिव ऐसे लगेगा स्टार्टिंग से ही, ठीक है ओके। सो आगे स्टार्ट करते हो और इसकी लाइन्स को बहुत ध्यान से देखिएगा, और इवन मैं ये कहूँगी जो इस तरीके के पीसीएस या फिर आईएएस के कोई एग्जाम नहीं भी दे रहे हैं तो भी वो उसे देखे, बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो देखने से हमारी मानसिकता बदलती है, हमारे विचार बदलते हैं, तो मुझे लगता है कि देखना चाहिए सबको ओके। देखिए अगर बात करें तो करीब 400 साल पहले लिखे गए रहीम के इस दोहे, कौन सा दोहा था? रहमन पानी रखिए बिन पानी सब सून। ये 400 से साल पहले लिखे गए इस रहीम के इस दोहे की जितनी प्रासंगिकता आज है उतनी शायद कभी महसूस नहीं हुई, बिल्कुल फैक्ट लिखा है इन्होंने। दुनिया तेजी से जल संकट की ओर बढ़ रही है ओके। अगर हम बात करते हैं केंद्रीय जल आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में देश देश के प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता घटकर 1340 घन मीटर ही रह जाएगी ओके। ऐसा नहीं है कि पहले भारत में जल संरक्षण की परंपरा नहीं थी, तब नहीं रही, पहले भी थी, देश में 2000 साल से भी अधिक पुरानी जल संरक्षण की परंपरा थी। उदाहरण के तौर पे बात करें तो ये जो परंपरा वाली बात है, ये क्वेश्चन आपका मैं इतना बताना चाहती हूँ, इसको अगर आप ऐसे में लिखते तो भी अच्छा है, इससे आपका जैसे जो मैचिंग वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं उनमें भी पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को, ये बहुत ध्यान रखेंगे। जैसे जम्मू में कुहाल नाम की परंपरा थी जल संरक्षण करते हैं, या ठीक है हिमाचल प्रदेश में कुलसी, लद्दाख में जिंग, तमिलनाडु में इरी, राजस्थान में कुंडी या बावड़ी। कुंडी मतलब जैसे नहीं होते कि कुंडे टाइप के होते हैं, जो कुंडे में छोटे तालाब उस तरीके का, तो भी एक तरह से जल संरक्षण की मतलब जल संरक्षण की परिभाषा के अंदर ही आता है ठीक है।
ठीक है, वह झालरा। उत्तराखंड में गुलथा, महाराष्ट्र में पाट और नागालैंड जबोस और कर्नाटक केरस। तो ये जो इस तरीके की चीजें थी वहां पे वो क्या करते थे कि कुंड, सिंपल अगर हम कुंड से समझे तो आपने क्या किया कि छोटा सा एक तालाब सा खोद दिया या छोटी सी कहीं जगह जहाँ पे आपने पानी भर दिया, तो फिर वहां पे बारिश का पानी भी आ रहा है, तो आपने कहीं ना कहीं जल संरक्षण कर रहे हो। ठीक है, तो वो चीजें हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इन नाम से जल संरक्षण की प्रणाली प्रचलित थी, हालांकि पाइप आधारित जल आपूर्ति के बढ़ने से जल संरक्षण की प्राचीन प्रणाली खत्म हो गई है। ओके, आगे। जल संरक्षण के उपायों पर अमल करने के साथ साथ खाने की बर्बादी भी रोकने की आवश्यकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फ्रेंड्स, रियली बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ओके, इसको ध्यान से देखिएगा। असल में व्यक्ति को दिन भर में पीने के लिए मात्र 2 से 4 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन उसका एक दिन का खाना उगाने के लिए 2000 से 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। हम पानी तो सिर्फ 2 से 3 लीटर ही पीते हैं, लेकिन जो खाना खाते हैं, दाल चावल इस तरह की चीज़ें, सब्जियाँ, उसको उगाने के लिए 2000 से 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इस चीज़ को आप अगर किसी भी आंसर में इंक्लूड कर दोगे, कहीं ऐसे में इंक्लूड कर दोगे, इतना इफेक्टिव बनेगा ये वो आपका आंसर, वो ऐसे कि आपको आंसर या वो ऐसे आपको 100 लोगों की कॉपी जो है वो आपसे, आपकी कॉपी 100 लोगों से अलग हो जाएगी, समझे। ओके, आगे चलते हैं। भूजल बचाओ। सरकार द्वारा देश भर में भूजल के बारे में अधिक जानकारी जुटाने और उसे बचाने के लिए नेशनल एक्यूफाइन मैनेजमेंट परियोजना चलाई जा रही है। ध्यान रखिएगा, नेशनल एक्यूफाइन मैनेजमेंट परियोजना या हेलीबोर्न जियोफिजिकल सर्वे सिस्टम पर आधारित है। इस तकनीक वाला भारत 7वां देश है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी लाइन। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम। दिसंबर 2017 में गंगा ग्राम योजना का शुभारंभ कर दिया है। इसके जरिए उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 1674 ग्राम पंचायतों में शौचालय का निर्माण होना है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा ये टॉपिक में। ठीक है, केंद्र और राज्य सरकारों ने 24 गांवों में ही गंगा ग्राम बनाने के लिए पायलट परियोजना के तहत लिया जाएगा इसको। पिछले साल गंगा यमुना को बढ़ते प्रदूषण से बचाने और जल संरक्षण के उद्देश्य के लिए एनजीटी ने गंगा, ओके, तो ये जो चीज है गंगा और यमुना की, अगर इससे रिलेटेड आपको एक चीजें, एक आइडिया हो जाएगा जो हम बताना चाह रहे हैं। एनजीटी होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसने क्या कहा था, गंगा किनारे जिसमें बसे हरिद्वार और ऋषिकेश से लेकर उत्तरकाशी तक के शहरों और कस्बों ने प्लास्टिक की थैलियों शहरों और कस्बों में प्लास्टिक की थैलियों तथा उनसे बने कप प्लेट आदि पर प्रतिबंध लगाया है। क्यों लगाया है? साथ ही क्योंकि इससे हमारी गंगा गंदी ना हो। ठीक है, साथ ही हरिद्वार से उन्नाव के बीच गंगा के किनारे 100 मीटर तक के क्षेत्र में नो डेवलपमेंट जोन एक घोषित किया है। अब हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि इससे वन लाइनर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, कि पूछा जा सकता है एनजीटी ने कितने मीटर तक के क्षेत्र को नो नो डेवलपमेंट जोन घोषित किया है गंगा या यमुना के किनारे, और उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, 100, 200, 400, 600। तो ध्यान रखिएगा, 100 मीटर तक के क्षेत्र को जो है वो नो डेवलपमेंट जोन घोषित किया गया है, तथा 500 मीटर तक की दूरी तक कूड़ा निस्तारण पर भी रोक लगाई है। और 500 मीटर तक की गंगा से जो दूरी होगी उस पर आप कूड़ा नहीं फेंक सकते, निस्तारण लगा दिया। 2018 में इस देश के क्रियान्वयन से बेहतर परिणाम सामने आ सकते हैं। तो ये था गंगा और यमुना को उनको गंदगी से बचाने के लिए। फ्रेंड्स, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा, और मैं ऐसी वीडियो और लाती रहूंगी। और हाँ, थोड़ा जो डिले हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, और आपके कमेंट्स मेरे लिए बड़े वैल्यूएबल हैं। और हो सकता है अभी वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज उतने नहीं हैं, बट धीरे धीरे चीज़ें सही होंगी। बस आप मेरी बनाए हुए वीडियो को बताइए कैसे हैं आपके लिए, मतलब अच्छे हैं, बेनिफिट बेनिफिशियल हैं या नहीं। ओके, थैंक्स। ओके, थैंक यू, बाय बाय।